हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू काजल्स किचन आज हमारे किचन में बन रहा है आलू और प्याज के पकोड़े एकदम नई रेसिपी है तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हमने मीडियम साइज के चार ओनियन लिए हैं इसको हम जो हार्ड वाला पार्ट है वो निकाल देंगे और पतली पतली स्लाइसेस में कट कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से हमें कट लगा देना है आप चाहे तो वेफर्स की जो मशीन आती है उसमें भी ये कट लगा सकते हैं तो एक में इस तरह से कट आपको दिखाऊंगी और एक इस तरह से भी हम इसको कट लगा सकते हैं एकदम बढ़िया से पतले पतले स्लाइसिस में हमें ऑनियन को कट कर देना है बिल्कुल इस तरह से तो चलिए इसको हम अलग अलग कर देंगे और चार चारों प्याज को हम इसी तरह से सारी कटिंग कर देंगे तो यहाँ हमने बाउल के अंदर सारी प्याज को कट कर लिया है बिल्कुल इस तरह से अलग अलग हमारी प्याज होनी चाहिए तो यहाँ हम हाफ़ टेबल स्पून जितना हल्दी पाउडर डाल देंगे हाफ़ टेबल स्पून जितना हिंग डाल देंगे और वन टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर हाफ़ टेबल स्पून जितना काली मिर्च का पाउडर डालेंगे और हाफ टेबल स्पून हम डाल देंगे अजवाइन अजवाइन डालने पकोड़े में बहुत ही अच्छी स्मेल भी आती है और टेस्ट भी बहुत ही अच्छा आता है तो यहाँ हम डाल दें ड्राई जो हमें यहाँ जो धनिया आता है वो क्रश करके डाला है और यहाँ हम टू टेबल स्पून जितना कसूरी मेथी डालेंगे इससे भी बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है आप ज़रूर डालना और यहाँ फ्रेश हरे धनिया थोड़े से ऐड करेंगे और सारे मसाले को हम रेड चिली फ्लेक्स से मिक्स कर देंगे यहाँ हमने वन टेबल स्पून जितनी रेड चिली फ्लेक्स डाली है यहाँ आप चाहे तो ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं और यहाँ हम डाल देंगे थ्री टेबल स्पून जितना चावल का आटा इससे आपका पकोड़ा बहुत क्रिस्पी करारा बनता है और सारे मसाले को ऑब्जर्व करके ड्राई मसाला बनाएंगा तो यहाँ बिल्कुल इस तरह से हाथों से हम मसल देंगे ओ यहाँ आपको एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ हम सोल्ट नहीं डालेंगे और यहाँ हमने दो बड़े आलू लेने हैं जो बॉईल किए हुए मैंने पहले से ही रख दिए थे और इससे हम मैश कर देंगे स्पून से हमने सारा मसाला आलू को मैश कर दिया है और यहाँ हम डाल देंगे वन टेबल स्पून जितना रेड चिली पाउडर वन टेबल स्पून जितना आमचूर पाउडर टेस्ट अकॉर्डिंग सोल्ट वन टेबल स्पून गर्म मसाला और हाफ टेबल स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी हींग और टेस्ट अकॉर्डिंग सोल्ट डालकर सारे मसाले को हम मिक्स कर देंगे बिल्कुल इस तरह से हमें सारे मसाले को मिक्स कर देना है हाथों से ही और थोड़ा सा हम ले लेंगे जो हमने बनाया है वो मसाला और एकदम बढ़िया से गोल लड्डू जैसा इसका शेप बना देंगे तो यहाँ हम एक और दिखाती हूँ कि छोटी साइज में ही हमें ये बनाना है तो सारे हमें बोल्स बनकर तैयार है तो यहाँ हम इसकी कोटिंग के लिए एक बेटर बनाएंगे तो यहाँ हमने टू टेबल स्पून जितना मैदा लिया है और इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा सोल्ट डालकर इसको बढ़िया से मिक्स कर देंगे बिल्कुल इस तरह से और थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे बिल्कुल इस तरह से हल्का सा पानी डालकर इस तरह से कंसलटेंसी में हमें इसका डोस तैयार कर देना है तो यहाँ मैं आपको स्पून से दिखाती हूँ कि कैसा हमारी कंसलटेंसी होनी चाहिए बस इसी स्टेज पर हम बनाएंगे पकोड़े। तो यहाँ हमने जो प्याज़ वाला बनाया था उसमें हम सोल्ट डालकर इसको एक बार के लिए मिक्स कर देंगे बिल्कुल इस तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ हमने जो बोल्स बनाया है वो लेंगे जो डो के अंदर डालकर स्पून की मदद से इस तरह से डो को लगा देंगे और जो प्याज में हम इसके ऊपर प्याज डालकर एक राउंड लड्डू जैसे शेप में बना देंगे इस तरह से लड्डू जैसे हम बनाते हैं ना वैसे ही प्रेस करके इसको चिपका देना है जो हमने मेंदा का कोटिंग बनाया है इससे आपके सारे प्याज चिपक जाएंगे एकदम बढ़िया से आप देख रहे हैं कि प्याज भी चिपक चुके हैं तो चलिए इसको हम फ्राई करेंगे तो पहले से ही मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था तो यहाँ हम स्लो फ्लेम में ही सारे पकौड़े को फ्राई करेंगे करीब यहाँ हमें तीन से चार मिनट के लिए इसको फ्राई कर देना है क्योंकि हमने बीच में जो मसाला ऐड किया है वो आलू पहले से ही पका हुआ है इसलिए ज़्यादा इसमें फ्राई करने में टाइम नहीं लगेगा तो यहाँ हमें बीच बीच में पलटाते रहना है तो यहाँ हमारे तीन से चार मिनट हो चुके हैं हल्का ब्राउन कलर भी हमारे पकोड़े में आ गया है बस इसी स्टेज इस पर सारे पकोड़ों को निकाल देंगे मैं और एक बार आपको फ्राई करने के दिखाती हूँ फ्राई हो हमारे पकोड़े तब तक आप हमारी चैनल पर नए हैं और मेरा वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और आपको मेरा वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे लग रहे हैं तो चलिए हमारे पकोड़े फ्राई भी हो चुके हैं तो इसे हम केचप और ग्रीन चिल्ली के साथ ग्रीन चटनी के साथ सर्व करेंगे एकदम मज़ेदार ऐसे प्याज और आलू के पकोड़े एकदम तैयार है बाहर से एकदम क्रिस्पी करारे आपको दिखा रही हूँ और अंदर से एकदम सॉफ्ट ऐसे बनते हैं पनीर के पकोड़े जैसे बनते हैं वैसे ही ये पकोड़े बनते हैं अंदर से एकदम सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी करा रहे तो ये रेसिपी आप जरूर ट्राई करना बारिश की मौसम आ रही है सबके घर पे प्याज के पकोड़े बनते हैं पर आपके लिए मैं एकदम नई रेसिपी लाई हूँ तो आप जरूर बनाना और लाइक करना ना भूलना चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर